नमस्कार दोस्तों, मैं कहानी लेखन संबंधी अपना दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। पहले भाग में मैंने कहानी के तत्वों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इस भाग में मैं कहानी की विषय वस्तु के बारे में आपसे बात करूंगा। कहानी की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, वो किन विषयों पर लिखी जानी चाहिए, उनके प्रसंग क्या होने चाहिए, ये सब हमारे जीवन में बिखरे हुए होते हैं। बस हमें अपनी आँखों को, अपने कानों को खुला रखना है, उनका विश्लेषण करना है और हम किसी भी प्रसंग और विषय को चुनकर कहानी लेखन आरंभ कर सकते हैं। नए लेखकों को इस बारे में थोड़ा सा जानकारी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस विषय को लेकर कहानी लिखें, तो मैं इसमें आप सभी लोगों को उन्हीं के बारे में बताऊँगा। कहानियाँ मोटे तौर पर कई प्रकार की होती हैं, जैसे पारिवारिक, जिसमें सास बहु के झगड़े, पत्नी में तनाव, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक मजबूरियां, सामाजिक कहानियों में बहुत सारे बेरोजगारी, महंगाई, किसी व्यक्ति का जीवन जो समाज में किस प्रकार उसको उसके साथ व्यवहार किया जाता है, इसी प्रकार राजनीतिक कहानियाँ भी राजनीतिक प्रसंगों को लेकर लिखी जाती हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी जा सकती हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो उन विषयों के बारे में खोजबीन करके आप ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधी कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। प्रेम आज के हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है, खासकर युवाओं के लिए तो वो लोग प्रेम कहानियाँ भी बहुत पसंद करते हैं और प्रेम कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखी जाती हैं, वो हर भाषा में लिखी जाती हैं। तो कहानियों के प्रकार में न जाते हुए हम उनकी विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में भी मैं विषय वस्तु को स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, आप उनको पढ़कर और सुनकर समझ सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरे वीडियो का ये दूसरा भाग। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। तो लीजिए, कहानी की विषय वस्तु पर हमारा ये वीडियो। कहानी का विषय व्यक्तिगत जीवन की किसी भी पहलू या परिवार और समाज के अंगों से लिया जा सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, समस्याओं, रोचक प्रसंगों आदि पर कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। अब हम व्यक्तिगत जीवन के प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। इनके मोटे मोटे प्रसंग इस प्रकार हैं। खेल कूद के दौरान होने वाली कोई घटना या प्रसंग, स्कूल कॉलेज के दिनों में घटने वाला कोई प्रसंग, मित्रों के साथ घटी कोई घटना, किसी अध्यापक के असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र पर कहानी, साधारण और गरीब छात्र की शिक्षा में असाधारण उपलब्धि, किसी अनजान व्यक्ति से रोचक मुलाकात, यात्रा के दौरान किसी महान व्यक्ति से मुलाकात, यात्रा के दौरान घटी कोई घटना और उससे बचाव, बीमार व्यक्ति के अस्पताल में इलाज के दौरान होने वाली कठिनाइयाँ, युवावस्था में होने वाले प्रेम प्रसंग, सड़क पर चलते किसी अनजान व्यक्ति की सहायता, किसी सरकारी कार्यालय में लंबित कार्य को करने में होने वाली कठिनाई, सपने में घटने वाला कोई रोचक या प्रेरणादायक प्रसंग, निकम्मे, कामचोर और आलसी व्यक्ति की कहानियाँ, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की कहानियाँ, दुष्ट और अत्याचारी व्यक्ति की कहानियाँ, दुराचारी व्यक्ति की कहानियाँ, लिव इन रिलेशनशिप की कहानियाँ, जीवन के किसी मोड़ पर असफलता या सफलता की कहानी, किसी घटना से जीवन में आया आश्चर्यजनक परिवर्तन, व्यक्तिगत आस्था और अनास्था के प्रसंग, नौकरी के लिए इंटरव्यू में होने वाले रोचक प्रसंग, जीवन के किसी अनुभव से चकित भ्रमित हो जाना, कोई रोमांचक, डरावना या शर्मनाक अनुभव, ऐसे व्यक्ति से मुकाबला जिससे आप कभी न मिलना चाहते हों, मित्रता टूटना, मित्र के साथ कटु अनुभव,
गलतफहमियों से पैदा होने वाली परेशानियां और उनका समाधान, जीवन में कोई वीरतापूर्ण या कायरतापूर्ण प्रसंग, जीवन में लिया गया कोई विद्रोही कदम, किसी के प्रति दुर्भावनापूर्ण विचारों में परिवर्तन, मौत से मुकाबला और बच निकलना, किसी प्रार्थिक घटना से मुकाबला और बच निकलना, कोई आश्चर्यजनक खोज स्थान या वस्तु, किसी संबल के माध्यम से जीवन में उचित लक्ष्य प्राप्त करना, काल्पनिक स्थान देश आदि का भ्रमण, जीवन के प्रति हताशा निराशा से उबरने की कहानियाँ, हास्यास्पद स्थितियों से उत्पन्न होने वाले प्रसंग। अब हम पारिवारिक जीवन के प्रसंगों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे की कहानियाँ, गरीब बाप के बेटे की संघर्षपूर्ण जिंदगी, गरीब परिवार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली कठिनाइयों और परेशानियों के प्रसंग, बाप बेटे के बीच विचारधारा में मतभेद से होने वाले प्रसंग, जवान होती बेटी की माँ के लिए चिंताएं, जवान बेटी की शादी और दहेज के लिए परेशान होते माँ बाप के प्रसंग, कर्ज में डूबे किसी परिवार की कहानी, पति पत्नी में बच्चों को लेकर मतभेद, रुपए पैसे धन दौलत और जमीन जायदाद से संबंधित विवाद, परिवार में बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद, पारिवारिक मुखिया की असामयिक मृत्यु से होने वाली घरेलू परेशानियां, शादी से संबंधित परिवार में वैचारिक मतभेद, बेटे या बेटी के प्रेम प्रसंग से परिवार में होने वाले तनाव की कहानियां, रोजमर्रा की जिंदगी में बेमकसद होने वाले लड़ाई झगड़े, माता पिता के बीच होने वाले विवाद के कारण पुत्र का घर त्याग करना, सौतेले माँ बाप के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियाँ, कमाऊ बेटी की शादी देर से करना या बिल्कुल ही न करना, बेटी की अपेक्षा पुत्र जन्म की कामना और उसको झेलने वाली बहू का तनाव भरा जीवन, सीधी बहू और क्रूर बहू की कहानियाँ, बूढ़े माँ बाप का कष्ट भरा बुढ़ापा जब बेटे बहू उनका ख्याल न रखें, बेटे बहू की संपत्ति के प्रति लालसा और पिता ससुर से उसको छीनने के लिए षड्यंत्र करना, बेटे या बेटी द्वारा अपनी मर्जी से शादी करने के प्रसंग। अब हम सामाजिक जीवन के प्रसंग के बारे में बात करते हैं जिन पर आप कहानी लिख सकते हैं। दो परिवारों के बीच आपसी मतभेद, परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही लड़ाई, बच्चों की लड़ाई की वजह से बड़ों का दूर हो जाना, मुसीबत के समय एक परिवार का दूसरे परिवार के प्रति सहयोग, पड़ोसी की किसी भी सफलता पर दूसरे लोगों के मन में ईर्ष्या, जातिगत विवाह संबंधी मुद्दा, आस पड़ोस के बच्चों में प्रेम संबंधों से उपजे प्रसंग, किसी दूसरे परिवार के बारे में अफवाह फैलाना, बुरी या अच्छी संगति का किसी के जीवन में होने वाले प्रभाव, सामाजिक जीवन जैसे जन्म मृत्यु विवाह इत्यादि, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उपयोग अथवा उसका फायदा उठाना, काम कराने के लिए गलत लोगों का साथ लेना, पुराने विचारों के प्रति नई पीढ़ी का विरोध, किसी व्यक्ति का अपंग हो जाना, सिनेमा तथा टीवी धारावाहिकों से समाज पर असर, पीढ़ियों के बीच अंतराल से उपजे असहज प्रसंग, जीवन के बहुत सारे प्रसंग हम समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों से भी जुटा सकते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि कहानी की विषय वस्तु मात्र व्यक्तिगत जीवन, परिवार या समाज तक ही सीमित नहीं है, इसे हम राजनीति और इतिहास से भी ले सकते हैं, लेकिन राजनीति और इतिहास से जुड़े प्रसंगों के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। राजनीति और इतिहास पर अगर तथ्यपूर्ण कहानियाँ नहीं हैं तो बेवजह विवाद खड़ा हो सकता है, अतः उचित यही है कि नए लेखक ऐसे विषयों से दूर ही रहें। अन्य विषय कहानी के और भी हैं। कहानी के मात्र यही विषय नहीं है, साहित्य जगत में जासूसी और वैज्ञानिक कहानियों की भी कमी नहीं है और पाठक ऐसी कहानियों को पसंद भी करते हैं। पश्चिम में विज्ञान पर आधारित बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। हिंदी में भी एक समय जासूसी उपन्यासों की भरमार हुआ करती थी, परंतु अब इनके न तो पाठक रहे न लेखक। लेखक अगर बन भी जाएं तो पाठक नहीं मिल सकते, क्योंकि आज का युवा अंतरजाल की दुनिया में खो
खोकर रह गया है। उपसंहार। अंत में नए लेखकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वे चाहे किसी भी विषय पर कहानी लिखें, परंतु उस विषय का गहन अध्ययन अवश्य करें, तभी उन्हें एक अच्छी कहानी लिखने में सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, जो लेखक की भाषा को परिमार्जित करता है और उसके लेखन में अभूतपूर्व सुधार आता है। आशा है ये वीडियो आपके लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके कमेंट हमें अगले वीडियो में उचित सुधार लाने में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।